मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का आज के मैथ्स क्विज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के मैथ्स क्विज का सबसे पहला प्रश्न, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? व्हाट इज होल नंबर? ऐसी संख्या जो जीरो से शुरू होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे? जीरो, एक, दो, तीन, चार आदि। ठीक है, आपका आंसर सही है। आपका नाम क्या है? सागर पंडित। सागर पंडित के लिए एक ताली होना चाहिए। आज के मैथ क्विज का सेकेंड क्वेश्चन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? जो भी स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर जानते हो हाथ खड़ा करें। आपका आंसर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। थैंक यू, आपका आंसर सही है। आपका नाम क्या है? क्रिश कुमार। क्रिश कुमार के लिए एक ताली होना चाहिए। आज के मैथ्स क्विज का क्वेश्चन नंबर 3, ब्लैक बोर्ड पर एक प्रश्न दिया हुआ है, माइनस टू का पावर थ्री इसे सॉल्व करना है, इसका मान क्या होगा? आपका आंसर सही है। आपका नाम क्या है? ध्रुव। ध्रुव कुमार के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। आपके पापा का नाम क्या है? विनोद साहब। विनोद साहब। विनोद साहब कहाँ रहते हो? मगलगुंडी। आप लोग कितने भाई बहन हो? मेरे मिलाकर 2 भाई और 1 बहन। प्रतिदिन घर में पढ़ाई करते हो? यस सर। डेली? आप पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? एसपी। थैंक यू, मैं आशा करता हूँ कि आप पढ़ लिख करके एसपी अवश्य बने और अपने गांव का नाम रोशन करें। आज के मैथ्स क्विज का चौथा प्रश्न, ब्लैक बोर्ड पर एक प्रश्न दिया हुआ है जो बोडमास रूल से रिलेटेड है, इसे हल करना है। आपका नाम क्या है? कली कुमारी। आपका आंसर सही है, इसलिए कली कुमारी के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। थैंक यू। आज के मैथ्स क्विज का पांचवा प्रश्न, प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स? इस प्रश्न का आंसर आप लोग कैसे बनाओगे? सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। व्हाट इज नेचुरल नंबर? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। गणन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and so on। तो प्रथम 3 प्राकृत संख्या कौन कौन होगा? प्रथम 3 प्राकृत संख्या 1, 2 और 3 होगा। अब इसका क्या निकालना है? औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तीनों संख्या को जोड़ेंगे और भाग कितना से देंगे? यहाँ पर अंकों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3। तो आपको भाग देना होगा 3 से। अब ऊपर वाले अंक को जोड़ दें, 3, 2, 5 और 1, 6 बटा 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6। इस प्रकार
प्रथम तीन प्राकृत संख्याओं का औसत कितना गया? दो आ गया। आप लोग अब अच्छे ढंग से समझ गए? कोई दिक्कत? आज के मैथ्स क्विज का क्वेश्चन नंबर 6, ब्लैक बोर्ड पर एक प्रश्न दिया हुआ है, 5/0, 5/0 इसका वैल्यू क्या होगा? इसके लिए ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी इनफिनाइट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 5। नहीं, गलत है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी। लेकिन कौन स्टूडेंट इसको एक्सप्लेन करके बतलाएगा कि ये कैसे आएगा? इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? सी। हम एक्सप्लेन करके बतलाते हैं कि सी कैसे आएगा, ठीक है? इसे आप लोग अच्छे ढंग से समझ लें। आप लोग ध्यान से देखें, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है? नेक्स्ट टाइम जब मैं इस प्रश्न को पूछूंगा तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर अच्छे ढंग से बतलाएंगे। इसलिए बहुत अच्छे ढंग से आप लोग समझ लें। जेनरली जब हम लोग भाग देते हैं, जैसे 10 को भाग देना है 2 से, तो क्या करते हैं? 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 का टेबल पढ़ते हैं। तो 2 का टेबल में कितने बार में 10 आएगा? 5 बार। 2 × 5 और माइनस करने के बाद कितना आ रहा है? 0। यहाँ पर 5/0 है, इसका मतलब क्या हो रहा है? 5 को 0 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 0 का टेबल पढ़ेंगे। 0 का टेबल हम लोग एक बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 0। 0 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 0। 0 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 0 का टेबल हम लोग 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 0 से भाग लगाना है किसमें? 5 में। 0 का टेबल पढ़ना है, 0 का टेबल हम लोग जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 0 का टेबल एक बार पढ़ें तो 0 आया, 0 का टेबल 2 बार पढ़ें तो भी 0, 0 का टेबल 3 बार पढ़ रहे हैं तो भी 0, 0 का टेबल 4 बार पढ़ रहे हैं तो भी 0। हम लोग ऐसा संभावना व्यक्त करते हैं कि 0 का टेबल हम लोग हो सकता है अनंत टाइम्स पढ़ें। अनंत मतलब इन्फिनाइट टाइम्स, जिसका कोई अंत नहीं है। 0 का टेबल पढ़ते जाएं तो हो सकता है लास्ट में कभी 5 आ जाए, और इसलिए इन्फिनाइट टाइम्स पढ़ेंगे तब हो सकता है 5 आ जाए और भाग लग जाए। और ऐसा कंडीशन में हम लोग जब 5/0 रहता है तब इसका वैल्यू हम लोग लिखते हैं इन्फिनाइट, ठीक है? किसी बच्चे को समझने में दिक्कत? ठीक है ना? आज के मैथ क्विज का 7वां प्रश्न आप लोगों के लिए, x² × x^-2, इसका वैल्यू क्या होगा? इसका ऑप्शन मैं लिख देता हूँ, ऑप्शन ए x^4, ऑप्शन बी x^-4, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 0। अच्छा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 1। कहाँ पर है 1? सी नंबर में। आपका आंसर सही है। आपका नाम क्या है? सरोज कुमार। और पापा का नाम? महेंद्र पंडित। थैंक यू, आपका आंसर सही है। सरोज कुमार को हम लोग 3 JP ताली से स्वागत करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5।
इसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ, इसका आंसर वन कैसे आया? इस प्रश्न को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वन आंसर कैसे आया, ठीक है। एक फार्मूला होता है x का पावर m गुना x का पावर n बराबर x का पावर m प्लस n। इस फार्मूला को आप लोग याद रखेंगे। यहाँ आपको गुना करना है x का पावर 2 गुना x का पावर माइनस 2। यहाँ पर देखें, इस फार्मूला से तुलना करके x का पावर m गुना x का पावर n। यहाँ पर x को हम लोग बेस बोलते हैं और m को पावर कहते हैं, ठीक है। और x का पावर m गुना x का पावर n बराबर क्या हो रहा है? x का पावर m प्लस n। पावर है सो आपस में जुट रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या करना होगा, पावर को क्या करना होगा, जोड़ना होगा, ठीक है। 2 प्लस माइनस 2, 2 प्लस माइनस, 2 में से 2 माइनस होगा तो कितना आएगा, 0। x का पावर कितना आ गया, 0। और किसी भी संख्या का पावर यदि 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत? आज के मैथ क्विज का 8वां प्रश्न, ब्लैक बोर्ड पर गुना का एक प्रश्न दिया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा? 7 गुना 2.5। आपका आंसर सही है। आपका नाम क्या है? कली कुमारी को हम लोग 3 JP ताली से स्वागत करेंगे। एक दो तीन, दो तीन। आज के मैथ क्विज का क्वेश्चन नंबर 9, ब्लैक बोर्ड पर कोण की एक आकृति दी गई है, 135 डिग्री का कोण बना हुआ है, यह कोण किस प्रकार का कोण है? आपका आंसर क्या है? अधिक कोण। थैंक यू, आपका आंसर सही है। आपका नाम क्या है? रिया कुमारी। रिया कुमारी को हम लोग 3 JP ताली से स्वागत करेंगे। आज के मैथ्स क्विज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, ब्लैक बोर्ड पर दशमलव का जोड़ का एक प्रश्न दिया हुआ है। 10.50 प्लस 0.02, इस प्रश्न को जोड़ना है। आपका आंसर सही है। आपका नाम क्या है? प्रिंस पासवान। आपने दशमलव का जोड़ सही ढंग से बनाया, इसके लिए मेनी मेनी थैंक्स। प्रिंस पासवान को हम लोग 3 JP ताली से स्वागत करेंगे। आज का मैथ्स क्विज यहीं समाप्त होता है। आप सभी स्टूडेंट्स को मैथ्स क्विज में शामिल होने के लिए मेनी मेनी थैंक्स। जय हिंद, जय झारखंड।